नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें धर्म परिवर्तन के बाद से बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन यानी कि सोमवार को वसीम रिजवी ने पूरे विधि विधान के साथ भगवा धारण किया। कुरान के 26 आयतों को हटाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वसीम रिजवी के विरोध के सुर तेज हो गए हैं। उलेमाओं संगठनों समाज के विरोध के बाद तन्हाई में जिंदगी गुजर बसर कर रहे रिजवी के परिवार ने भी अब उनका साथ छोड़ दिया है। वसीम रिजवी इस वक्त वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में हैं। समाज परिवार सभी के साथ छोड़ देने के बाद उन्हें अब केवल कुछ पुलिसकर्मियों का ही सहारा है। इस बीच रिजवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों, भाई और रिश्तेदारों पर खुद को छोड़ देने का आरोप लगाया है। लेकिन आज अगर हमने इस सिलसिले में कोई कदम उठाया है तो पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ एक फितना फसाद फैल गया है। हम अकेले एक तरफ है और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। इस वीडियो में वो निडर नजर आते हुए कहते हैं, मुझे परवाह नहीं, मैं सही रास्ते पर हूं और अपनी आखिरी सांस तक इस जंग को लड़ूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। वसीम रिजवी के इस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार देते हुए रिजवी से 21 दिनों के अंदर माफी मांगने का निर्देश दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रिजवी के इस कदम का विरोध किया है। इतना ही नहीं, लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े में शिया और सुन्नी दोनों ही पंथों के लोगों ने रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुस्लिम समुदाय से निकाले जाने की घोषणा की है। वहीं मुरादाबाद के एक वकील ने रिजवी का सिर काट कर लाने वाले पर 11 लाख रुपए तक का इनाम रख दिया है। हालांकि बाद में इनाम घोषित करने वाले पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा शिया व सुन्नी समुदाय के लोगों ने वसीम को इस्लाम और कुरान का दुश्मन और आतंकी करार देते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। उनका कहना है कि अब वसीम रिजवी मुसलमान नहीं है, लिहाजा उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी के इस कदम से उनके प्रति लोगों की नफरत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी आलिम उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ेगा। शिया समाज के सबसे बड़े मौलाना मजलिस उलेमाए हिंद के महासचिव एवं इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने उसे मुर्तद यानी कि दीन से खारिज करार दिया और वसीम का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही वसीम रिजवी पर बलात्कार के आरोप भी लग चुके हैं। दरअसल पीड़ित महिला वसीम के ड्राइवर की पत्नी है। वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ के सादतगंज थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने का फरमान भी सुनाया था। साथ ही पुलिस को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश भी जारी किया था। वसीम के ड्राइवर की पत्नी ने रिजवी पर बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति को किसी न किसी काम के बहाने बाहर भेजकर वसीम उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे। विरोध करने पर उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देते थे। महिला का कहना है कि कई बार जब उसने विरोध किया तो वसीम धमकी देकर उसे चुप करा देते थे, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो उसने पति को अपनी आपबीती सुनाई। इस पर महिला का पति वसीम से बात करने पहुंचा तो वसीम ने उन्हें नंगा करके पीट दिया। इस पूरे मामले पर वसीम रिजवी ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका ड्राइवर विरोधियों से मिलकर उनकी हर गतिविधि की जानकारी उन्हें दे रहा था। उनके कुरान लिखने वाले प्रकरण के बाद विरोधी उनके खिलाफ गहरी साजिश कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने कुछ दिन पहले ही ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया था। उसे रहने के लिए जो मकान दिया था उसे भी खाली करवा लिया। यही वजह है कि विरोधियों के कहने पर उसने पत्नी से रेप का आरोप लगवा कर झूठी तहरीर दिलवाई। वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमों की जो लिस्ट है वो अभी यहीं नहीं थमी है। उनके खिलाफ और भी कई ऐसे मुकदमे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आइए जानते हैं।
साल 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के आधार पर सीबीआई ने सूबे के शिया वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने और हस्तांतरित करने के आरोप में वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2017 में सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद भी वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड पर काबिज रहे, पर उनका कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा होने के बाद वक्फ बोर्ड में उनकी वापसी नहीं हो सकी। इतने लंबे समय तक शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए वक्फ संपत्तियों की गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वक्फ की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी में 8 अगस्त 2016 को प्रयागराज में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद दूसरी एफआईआर साल 2017 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में कानपुर की वक्फ संपत्ति को ट्रांसफर करने पर केस दर्ज हुआ था। इन दोनों दर्ज केस के आधार पर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर फाइल हुई थी। साल 2019 में ये मामला भी सामने आया था कि वसीम रिजवी ने अपनी दूसरी पत्नी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लखनऊ के शिया यतीम खाने के बाहर एक महिला संगठन की कार्यकर्ता फरहाद नकवी पहुंची और वसीम की पत्नी से मिलने की कोशिश करने लगी। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दरअसल फरहाद नकवी को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वसीम रिजवी ने अपनी दूसरी पत्नी को जबरन बंधक बनाकर रखा हुआ है। महिला संगठन की कार्यकर्ता फरहाद नकवी को वहां देखकर मौजूद लोगों ने उनकी बात वसीम रिजवी से करवाई। इस पर वसीम रिजवी ने महिला कार्यकर्ता को जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। इस पूरे मामले पर महिला कार्यकर्ता ने क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी जी अपनी वाइफ को, सेकेंड वाइफ ब्यूटी नाम की जो महिला है, उनको बंदी बना के रखते हैं और मारपीट करके अपनी वाइफ के साथ उत्पीड़न करते हैं। मैं फरहत नकवी, मैंने 3 तलाक की और महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक मेरा हक फाउंडेशन के माध्यम से एनजीओ से एक लड़ाई लड़ी है। तो जब हमें सूचना मिली कि काफ़ी टाइम से ये टेलीफोन के माध्यम से अड़ोसी पड़ोसियों से हमें सूचना आ रही थी कि वसीम रिजवी जी इस तरह का उत्पीड़न अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं, बंद कमरे में बंदी बना के उनको रखा है, किसी से मिलने जुलने नहीं देते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए सामाजिक कार्यकर्ता कि हम उन महिला से मिलें। हम ये नहीं कहते, हम अभी आरोपित किसी को सिद्ध नहीं करते, साबित नहीं करते, बट हम महिला का महिला से मिलना कोई जुर्म नहीं है। हम उस महिला से एज अ सामाजिक कार्यकर्ता मिलके सिर्फ हमें उससे पूछना था, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए हम उनके घर पे गए, उनके घर पे उन्होंने मेरे पीछे काफ़ी लोग लगा दिए। और कहाँ गई थी, कहाँ पे था? ये यतीम खाने में पता चला था, यतीम खाने में बंदी बना के उसको महिला को रखा है। तो हम यतीम खाने गए तो वहाँ एक पीछे साइड में छोटा सा गेट था, जो मुझे सूचना मिली थी उसी के आधार पे उस छोटे से गेट में पहले मैं गई। मैंने काफ़ी देर नॉक किया, वो नहीं खुला, लेकिन उनके लोग जो मेरे आगे पीछे लग गए थे, उन्होंने लगातार फ़ोन पे संपर्क करना वसीम जी से शुरू कर दिया। और संपर्क करने के बाद उनके फ़ोन से उन्होंने, वसीम रिजवी जी ने मुझसे बात की, तो मैंने कहा भाई हमें सिर्फ आपकी वाइफ से मिलना है एज अ सामाजिक कार्यकर्ता। हम चाहते हैं कि हमको सच्चाई सामने आए कि जो हमको सूचना मिल रही है ऐसा है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप घर में नहीं घुस सकती, पहले मेरे को धमकी देने लगे कि मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। मैंने कहा अगर ऐसा कोई कानून है कि एक महिला से महिला का मिलना जुर्म है, तो बेशक आप मुझे जेल भिजवा दीजिए, लेकिन एक महिला से मिलना, उससे पूछना, मैं अभी ये तो नहीं कह रही कि आप आरोपी हो, मैं सिर्फ आपकी वाइफ से मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच क्या है, कि ताकि मेरे पास ये जो लगातार फोन आ रहे हैं वो फोन ना आए। तो वसीम रिजवी कारनामों का एक बड़ा पिटारा है और हर साल एक नया कारनामा लेकर वो लोगों के सामने पेश हो जाते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए खुद पर एक मुकदमा करवा लेते हैं। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।